जैसा कि लेबर पार्टी के प्रमुख कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक की जगह ले ली है। नए प्रधानमंत्री के रूप में वे यूके के दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन उनके समक्ष कई आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले आइए जानते हैं कीर स्टार्मर के बारे में। उनका जन्म 2 सितंबर 1962 को ऑक्सटेड सरे में एक मजदूर वर्ग के परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार में विश्वविद्यालय जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने लीड्स विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। राजनीति में आने से पहले स्टार्मर एक प्रतिष्ठित मानवाधिकार वकील थे। सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें वामपंथी वकील भी कहा जाता था। वर्ष 2015 में कीर स्टार्मर ने होलबोर्न और सेंट पैनक्रास के सांसद के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और जल्द ही लेबर पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। वहीं वर्ष 2019 में जेरेमी कॉर्बिन के इस्तीफे के बाद स्टार्मर को 2020 में लेबर पार्टी का नेता चुना गया। वहीं अगर बात करें स्टार्मर के समक्ष घरेलू चुनौतियों की, तो यूके में निजी स्वामित्व वाली जल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले सीवेज संदूषण एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है। नियामक 11 जुलाई को लोगों के बिलों में संभावित दोहरे अंकों की वृद्धि के बारे में निर्णय लेने वाला है, जो नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टरों ने पिछले 18 महीनों में हड़ताल की है, जिसमें सबसे हालिया हड़ताल 2 जुलाई को समाप्त हुई। वे 35% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रस्तावित सौदे में उन्हें औसतन 10% की पेशकश की गई है। ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा भी बढ़ गया है। हाल के वर्षों में नाव से इंग्लिश चैनल पार करने वाले आर्थिक प्रवासियों और शरण चाहने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आलोचकों का तर्क है कि सरकार अपनी सीमाओं पर नियंत्रण बनाए रखने में विफल रही है। इसके अलावा विश्लेषकों का दावा है कि यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो ब्रिटेन के सामने कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय संघ को लंदन में पहली गैर रूढ़िवादी सरकार का सामना करना पड़ेगा। स्टार्मर ने यूरोपीय संघ के एकल बाजार या सीमा शुल्क संघ में पुनः शामिल होने की संभावना से इनकार किया है, लेकिन उनकी पार्टी ने कहा है कि ब्लॉक के साथ कुछ व्यापार बाधाओं को हटाना अभी भी संभव है, ताकि उच्च लागत और कागजी कार्रवाई से जूझ रही छोटी कंपनियों की मदद की जा सके। स्टार्मर के 9 से 11 जुलाई को अमेरिका में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रिटेन को इस साल यूक्रेन को 3 बिलियन पाउंड की सैन्य सहायता देनी है और उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी देश को सहायता की जरूरत होगी। और लेबर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा, यूक्रेन के लिए ब्रिटेन का सैन्य, वित्तीय, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन अटल रहेगा। हालांकि स्टार्मर सावधानी से कदम उठाएंगे, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले उनकी पार्टी पर यहूदी विरोधी भावना का आरोप लगाया गया था, अपितु ब्रिटेन ने इस साल की शुरुआत में चीन के राजदूत को तलब करके कहा था कि साइबर हमले और जासूसी संबंधों की रिपोर्टें स्वीकार्य नहीं हैं। हालांकि लेबर पार्टी ने कहा है कि वह चीन के साथ संबंधों के प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएगी, जबकि भारत के मामले में दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता अधर में लटका हुआ है। लेबर पार्टी की भारी जीत से इसमें बदलाव आ सकता है। स्टार्मर ने नई दिल्ली के साथ नई रणनीतिक साझेदारी बनाने और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। लेबर नेता ने भारत के साथ संबंधों को संभालने में पार्टी की पिछली गलतियों को भी स्वीकार किया है, खासकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने के कथित रुख को लेकर। साथ ही स्टार्मर ने पार्टी के भीतर किसी भी भारत विरोधी भावना को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है और ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए अभियान चलाया है। आज का प्रश्न, किस वर्ष कीर स्टार्मर लेबर पार्टी के नेता चुने गए थे? ए 2015, बी
2018, सी 2020, डी 2022, अपना उत्तर कमेंट में दें।